ओके सो बच्चों, जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं ओवरी के, उसमें से हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. उसकी लास्ट वीडियो है, दैट इज़ क्रॉनिक पेल्विक पेन. ठीक है, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक तो है नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. बेसिकली जो पेशेंट क्रॉनिक पेल्विक पेन के साथ आता है, तो ये वाला जो सिम्टम है कि मुझे बहुत अरसे से जो है वो पेल्विक में पेन रहता है, क्रॉनिक हिस्ट्री है, मैं भी बताती हूँ इसका मतलब क्या है. तो वो कहता है कि ये एक बड़ा डिबिलिटेटिंग सा सिम्टम होता है और बड़ा ही इरिटेटिंग होता है, क्योंकि ये वुमेन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इफ़ेक्ट करता है, हेल्थ की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इफ़ेक्ट करता है, और इसी तरह हेल्थ की यूटिलाइजेशन को, या फिर आपके पास जितनी भी हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन है उसको भी इफ़ेक्ट करता है. तो क्रॉनिक पेल्विक पेन जो है ये एक इरिटेटेड सा सिम्टम है जिसके साथ पेशेंट्स आती हैं. नो, क्रॉनिक पेल्विक पेन का मतलब क्या है? क्रॉनिक पेल्विक पेन का मतलब है कोई भी इंटरमिटेंट या कॉन्स्टेंट पेल्विक पेन. ठीक है, इंटरमिटेंट या कॉन्स्टेंट पेल्विक पेन की हिस्ट्री है, और ये पेन एसोसिएटेड नहीं है. किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड नहीं है? एसोसिएटेड नहीं है डिसपेरोनिया के साथ, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे पेन नहीं होता. उसके बाद ये एसोसिएटेड नहीं है डिसमेनोरिया के साथ, यानी मेंस्ट्रुएशन के साथ, और ये एसोसिएटेड नहीं है प्रेगनेंसी के साथ. प्रेगनेंसी, डिसपेरोनिया और डिसमेनोरिया नहीं है, इसके बावजूद एक पेल्विक रीजन के अंदर क्रॉनिक या इंटरमिटेंट पेन है फॉर मोर देन 6 मंथ्स. ठीक है, तो हम कहते हैं क्रॉनिक पेल्विक पेन है. अब ये जो क्रॉनिक पेल्विक पेन है, नेक्स्ट चीज़ उसकी इंसिडेंस की बात करते हैं, तो कैसा है इसका इंसिडेंस? काफ़ी ज़्यादा हाई है, जितना फ्रिक्वेंटली माइग्रेन का या एस्थमा का या लोअर बैक पेन का पेशेंट आता है, उतना ही कॉमनली तकरीबन 10-20% जनरल ओपीडी में पेशेंट आता है गायनी ओपीडी में क्रॉनिक पेल्विक पेन के साथ. अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें, हम इसके कॉजेज़ की बात करें, तो इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल उसने कहा कि अगर हम लोग गायनेकोलॉजिकली बात करें, ठीक है, तो गायनेकोलॉजिकली ये जो क्रॉनिक पेल्विक पेन है ये क्यों होता है? हमने अभी पढ़ा, एंडोमेट्रोसिस की वजह से हो सकता है, एडिनोमायोसिस की वजह से हो सकता है, अगर वहाँ पर एडहीजन्स बहुत ज़्यादा बन गई हुई हैं तो एडहीजन्स की वजह से हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है, या ओवेरियन सिस्ट जो है अगर वो रप्चर हो, उसमें हेमरेज हो, तो वो भी पेन करती है. ये गायनेकोलॉजिकल रीजंस है. उसके बाद पेरीफ्रल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी कोई मसले हो सकते हैं, जैसे आपकी जो एफ्रेंट और ईफ्रेंट्स हैं वो इन्हेंस्ड हुई हैं, इफेक्ट हुई हुई हैं, पेन ट्रांसमिशन ज़्यादा हो गई है. फॉर एग्जाम्पल हाइपर अल्जीजिया अगर हो जाए, ठीक है, पेन उतना होता नहीं है लेकिन हो रहा है, या कोई भी न्यूरोपैथिक पेन स्टार्ट हो जाए, यानी नर्व के अंदर मसला है, तो वो भी क्रॉनिक पेल्विक वाले रीजन के अंदर क्रॉनिकली पेन की रीजन बन सकती है. इसी तरह जीआईटी की वजह से भी पेल्विस रीजन के अंदर पेन होता है. फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, या पेशेंट को सीलियाक डिजीज़ है, तो वो एब्डोमिनल एंड अलॉन्ग विद एब्डोमिन पेल्विक पेन के साथ आता है, या कॉन्स्टिपेशन भी पेल्विक पेन कॉज कर सकती है फॉर मोर देन 6 मंथ. सेम एज इसके यूरिनरी कॉजेज भी हो सकते हैं. बेटे, यूरिनरी कॉजेज क्या हो सकते हैं कि अगर आपको ब्लैडर पेन सिंड्रोम है, ठीक है, ब्लैडर पेन सिंड्रोम है, या यूटीआई हुआ हुआ है, या यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई स्टोन्स हैं, कैलिकुलाई आए हुए हैं, तो वो ये कॉज कर सकते हैं. इसी तरह मस्क्यूलोस्केलेटल जो पेन है वो भी हो सकता है. मस्क्यूलोस्केलेटल पेन ऐसा पेन जो जॉइंट्स की वजह से अराइज हो रहा है और पेल्विक रीजन तक जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल स्पोंडोलिथियासिस में ऐसा होता है, ठीक है. सेम एज वो कहता है नर्व्स का कोई इशू हो सकता है, कोई नर्व इंट्रैपमेंट हुई हुई है विद इन द स्कार टिश्यू, जैसे फेशिया है, या कोई भी नैरो पेन स्टार्ट हो रहा है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है पेल्विक रीजन तक. या लास्टली साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी ड्यू टू डिप्रेशन, एनजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर पेन जो है वो पेल्विक रीजन तक जा रहा है. तो क्रॉनिक पेल्विक पेन की बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिम्टम्स. तो ये बस आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होना चाहिए. अब पेशेंट है, कह रहा है डॉक्टर साहब 6 महीने से मुझे दर्द है, मसला हो रहा है, लेकिन साथ में डिसपेरोनिया या डिसमेनोरिया नहीं है. तो आपने सबसे पहले जो है वो उसकी एक डिटेल हिस्ट्री लेनी है. हिस्ट्री में आपने उसके पेन के ऑनसेट, ड्यूरेशन और पैटर्न के बारे में पूछना है, एसोसिएशन के बारे में पूछना है, बाउल एंड ब्लैडर के सिम्टम्स के बारे में पूछना है, एंड देन हम लोगों ने उसका पूछना है कि टेंडरनेस वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने पूछना भी है और एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन करके टेंडरनेस को रूल आउट करना है, ठीक है. अब ये हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन करने पे हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेंगे. इनको कंफर्म करने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे. सबसे पहले जो है वो आप उसका स्वैब ले लेते हो और सर्वाइकल रीजन से या वजाइनल एरिया से, और उससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को या किसी भी पेल्विक इन्फेक्शन को रूल आउट करते हो. नंबर 2 ये कि हम उसका पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, और पेल्विक अल्ट्रासाउंड हम इसलिए करेंगे
करेंगे ताकि हम देखें कि पेल्विक रीजन में कोई मास तो नहीं पड़ा हुआ, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं पड़ा हुआ, कोई यूट्राइन पैथोलॉजी तो नहीं है जो क्रॉनिक पेल्विक पेन कर रही है। नंबर थ्री, हम MRI भी कर सकते हैं। MRI से भी हमें अगर मास है तो उसके फुल करेक्टरिस्टिक्स, और रेक्टोवजाइनल अगर एंडोमेट्रोमा या लीजन मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो वो हमें नजर आएगी। और अगर किसी से भी हमें पता नहीं चल रहा, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आ गया है लेकिन स्टिल पेशेंट की कंप्लेंट्स हैं, तो जो डायग्नोस्टिक या गोल्ड स्टैंडर्ड का MCQ आप याद रखना, गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है दैट इज लेप्रोस्कोपी। और यही करके हम एडहीजन, मैसेज, एंडोमेट्रियोमा, एंडोमेट्रोसिस, इस सबको रूल आउट करेंगे। लास्ट चीज आ जाती है कि आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट, इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। बेटे पेन के साथ आ रही है ना बेचारी, ठीक है, कंजर्वेटिव हम उसको कहते हैं अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, बेटर करो। उसके बाद फिर हम उसको कहते हैं कि वो एक्सरसाइज भी करेगी, एक्सेसिव हाइड्रेशन करेगी और अपनी जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगी, ठीक है। नंबर टू ये कि उसको चूंकि पेन है तो हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, और एनल्जीजिया के लिए हम लोग उसको क्या दे सकते हैं, एनसेड्स दे सकते हैं, पैरासिटामोल देते हैं और साथ में ओपियोइड्स भी दे सकते हैं। नंबर थ्री ये कि हम लोग हॉर्मोन्स को सप्रेस करना चाहते हैं, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से भी फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, तो हार्मोन सप्रेशन थेरेपीज दी जा सकती हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन मोस्ट कॉमनली, नेवोनॉर्जेस्ट्रल या फिर GnRH एगनिस्ट हम लोग देते हैं। साइक्लिकल अगर पेन है मोर देन 3 to 6 months, फिर हम ये देख के देखते हैं बिफोर लेप्रोस्कोपी। लेकिन अगर ये फेल हो चुका है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट में आएंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जो है उसकी क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। लेप्रोस्कोपी स्कोपी के बाद अगर एडहीजन है एंडोमेट्रोसिस की वजह से तो एडहीजोलाइसिस परफॉर्म करेंगे। अगर कोई मैस है तो उस मैस का रिमूवल होगा अंडर लेप्रोस्कोपी, और अगर एंडोमेट्रोमा है तो उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर इस पेन की रीज़न गायनेकोलॉजिकल नहीं है, GIT रिलेटेड है, UTI रिलेटेड, चलो वो तो हैर इसमें कवर हो जाएगा, या CNS रिलेटेड है या साइकोलॉजिकल है, तो फिर मुतल्लिका डिपार्टमेंट में हम उस पेशेंट को भेज देंगे। तो ये क्रॉनिक पेल्विक पेन के बारे में आपकी बुक में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आसान सी बात थी कि क्रॉनिक पेल्विक पेन वो पेन है जो इंटरमिटेंट या कांस्टेंट पेन है फॉर मोर देन 6 months, और वो एसोसिएटेड नहीं है डिस्पेरोनिया, डिस्मिनोरिया या प्रेगनेंसी के साथ। मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, इसकी इंसिडेंस काफ़ी कॉमन है, और रीजंस में हमने कहा बहुत सारे सिस्टम्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है। आपने हिस्ट्री लेनी है, एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन करनी है, स्वैब करना है, अल्ट्रासाउंड, MRI, लेप्रोस्कोपी, ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, एनाल्जेसिक मैनेजमेंट, हार्मोनल मैनेजमेंट, देन सर्जिकल मैनेजमेंट या अदर डिपार्टमेंट का कंसल्टेशन ले लेनी है अगर दूसरे सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो चैप्टर है आपका, हाँ जी, ये वाला जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, और इसकी एक्सरसाइज अब आपने खुद पढ़नी है। शुरू में मैंने आपको थोड़ी बहुत सिखाई है, ना इनकी तो फिर आप उनसे पूछ सकते हुए हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अगर यूट्रस के अंदर बिनाइन कंडीशंस होती हैं तो वो क्या हो सकती है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोमैन सिंड्रोम का आपको पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको फाइब्रॉइड का पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी में हम लोग एडिनोमायोसिस, तो ये तीन टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हेलो हाय आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम यही पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आपको अगर कोई इशू है तो वो आप लोग बेटे मुझे बता सकते हैं, ठीक है।